तुर्की में पिछले हफ्ते आए भयानक भूकंप की तबाही से अभी बाहर नहीं आ पाया। एक के बाद एक सिलसिलेवार भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया दहल गया और चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। बता दें कि भूकंप से तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 28,000 पार कर गई है, लेकिन आने वाला समय तुर्की के लिए और अधिक भयानक हो सकता है। भूकंप वैज्ञानिक डोगन पेरिनशेक ने चेतावनी दी है कि पहले से ही आपदा ग्रस्त देश में जल्द ही 7 तीव्रता का एक और जोरदार भूकंप आ सकता है। ये चेतावनी तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भयानक भूकंप के कुछ दिन बाद ही दी गई है। दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RI न्यूज ने पेरिनशेक के हवाले से कहा कि पश्चिमी तुर्की में केनाकेकिल पोर्ट सिटी के आसपास जल्द ही 7 तीव्रता का एक और भूकंप आ सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी मरमरा सागर में मैं उनके अध्ययन पर आधारित है। वहीं पेरिनशेक ने आगे कहा कि केनाकेकिल में हर 2.5 साल में भूकंप आता है। बता दें कि आखिरी भूकंप 287 साल पहले आया था। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है। साथ ही वैज्ञानिक ने कहा कि पिछले 10 दिनों से मैं मरमरा सागर की दिशा में केनाकेकिल में बड़ी हुई भूकंप क्रिय गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पिछले 10 सालों से अधिक समय से खास नक्शों का इस्तेमाल करके देश में भूकंप क्रिय गतिविधियों की डेली मॉनिटरिंग और विश्लेषण में लगा हुआ हूँ। पेरिनशेक ने कहा कि पिछले 3 साल से मैं केनाकेकिल में भूकंप की भविष्यवाणी कर रहा हूँ। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपदा की मार झेल रहे तुर्की के लिए ये भविष्यवाणी डरावने वाली है। वहीं अब भूकंप के बाद तुर्की में अशांति और अराजकता भी बढ़ गई है। इस 3 बचाव समूह का कहना है कि देश के दक्षिणी हिस्से में अशांति के चलते बचाव कार्य बाधित हो रहे हैं। अज्ञात समूह के बीच झड़प का हवाला देते हुए जर्मन बचाव दल और ऑस्ट्रेलियाई सेना ने शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। और एक और बचाव कर्मी ने कहा कि खाद्य आपूर्ति घटने और सुरक्षा के और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक लगभग 50 लोगों को लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और अब तक कई बंदूकें जब्त की जा चुकी हैं। वैसे हम तुर्की और सीरिया में आई आपदा पर दुआ करते हैं कि वहाँ पर सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाए। आप लोग भी दुआ करें कि इस आपदा से लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकें। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।